अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 42 है। आज का इसका टॉपिक है, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का है, ये एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में अब ये पहला सवाल है फैक्टराइज, ये दिया हुआ 6ab² + 7ab - 5। ये इनके ऑप्शन दिए हुए, हम इसके फैक्टर बनाते हैं, तो हमें देखना होगा कि कौन सा फैक्टर इसमें सही बैठ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको रफ में, तो रफ में जो लिखा है हमने 6ab² 7ab - 5 है, इसमें से ए कॉमन आ गया सब में से। फिर इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे हम, -3 और 10b, 3 10 30, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें ये भी 30 होता है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है 3b, तो यहाँ 2b - 1 हो गया, यहाँ से 5 कॉमन आ गया 2b - 1 हो गया। ये अब ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, 3 2b - 1 2b, ये कॉमन आ गया बस, ये ब्रैकेट को जो बाहर है 3b और +5, इसको अलग ब्रैकेट में। तो अब इसका जो आंसर है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन सा आंसर बन रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो है सी जो है हमारा आंसर है, ये सी, तो यहाँ पे मैंने सी लिख दिया है साइड में। इसको भी फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को x³ y² 125, इसमें लगेगा क्यूब का फार्मूला, ठीक है, ये हमने कर दिया इसमें x² 5 के ऊपर 3 पावर, क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं, a³ + b³ = a + b² - ab + b², इसका फैक्टर हो जाएगा पहला ax² + 5, तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा xy² का, उसका नहीं है a² मिलेगा, फिर a की जगह आ जाएगा xy² + 5, और फिर ये 5 + 2, इसको ये तो एज इट इज रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये x² y के ऊपर 4 पावर, ये 5 पहले आ जाएगा x² y² 25। तो अब यहाँ पर आप जवाब देखेंगे तो ये जवाब बन रहा है ए, पहला ही जवाब बन रहा है, ठीक है, पहला नहीं बल्कि ये बन रहा है कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है, बी, तो यहाँ पे आप बी लिख दें, ये बी हो गया, ये यहाँ लिख देते हैं बी आ गया जवाब इसका। इसमें आपको कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट, ये आपको एक्सप्रेशन दी है x² + y² + z² 2xy 2yz, और ये 2xz। स्क्वायर रूट का तरीका ये होता है कि इस वैल्यू के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें, प्लस माइनस लगाए रूट लगा दें पूरी वैल्यू के ऊपर। अब ये एक फार्मूला बन रहा है, आपको ये बात पता ही है, x + y + z² होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी x + y + z, और ये प्लस माइनस, तो इसका जवाब पहला ए पार्ट है आपके पास, प्लस माइनस और ये x + y + z, यहाँ ए लिख देंगे आप। अब इसके फैक्टर बनाने, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें फैक्टर बनाना जरा मुश्किल लगता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए हुए, एक आंसर ये दिया हुआ है, दूसरा तीसरा, इनको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, तो यहाँ पर हमने एक आंसर को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये सी पार्ट है इसका, ये वैल्यू x/2 मल्टीप्लाई होगी एक्स से, तो ये x² / 2 हो गया, फिर ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x/2, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा तो -x, -1 + 1 - 1 आ जाएगा, x/2 में से x को माइनस करेंगे तो -x/2 आएगा, तो x² / 2 x/2 - 2 और -1, तो ये आंसर जो है यहाँ देखिएगा जो फैक्टर बने हुए वो है सी पार्ट, तो यहाँ लिख देंगे सी, तो ये सी को हमने उठाया था यहाँ से। अब ये HCF कहलाता है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इन दोनों का देखना है, x^4 - y^4 x² + y², तो अब इसके इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि इसके फैक्टर बनाए, तो ये फैक्टर बनेगा x² / y² / 2 दिया जाएगा x² + y² x², अब इन एक दूसरा फैक्टर ये दिया हुआ है, इन दोनों में जो कॉमन है
वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जो कॉमन वैल्यू होती है वही कहलाती है एच सी एल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पहला ही ये बी आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। फिर यह है जी सी डी, जी सी डी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये वैल्यू आपको दी हुई है अपना 18 एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर, फिर ये 12 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इस वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया है रफ में, 18 के फैक्टर बना लें 2 और 3 3, तो 2 3 रहा 6, 6 3 रहा 18। इसको मैंने ब्रेक कर दिया एक्स क्यूब में और एक्स स्क्वायर में, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज। यहाँ 12 को हमने ब्रेक कर दिया 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें आप कॉमन देखेंगे, इसमें जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो 2 दोनों में कॉमन है और 3 दोनों में कॉमन है, और एक्स क्यूब है और वाई स्क्वायर है, ये 6 हो गया एक्स क्यूब है। दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी वही जी सी डी कहलाएगी। तो अब ये जो आंसर है हमारे पास जी सी डी का, वो है ए पार्ट, पहला ही पार्ट है आपके पास। तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिएगा आखिर में। एलसीएम, एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एक्स क्यूब दिया हुआ है माइनस वाई क्यूब, एक्स की बार 6 और वाई की बार 6 दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया सातवें सवाल को, ठीक है जी। एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, यहाँ 6 पावर है वाई की पावर 6, इसके फैक्टर बना दें। ये हो जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर वाई क्यूब का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इन दोनों में एलसीएम का तरीका ये होता है कि इन दोनों में कॉमन देखें, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमन आ गया, ये पहले लिख दिया हमने। फिर जो बच गया सो ये बच गया, फिर वैसे एक्स क्यूब प्लस वाई, ये भी लिख देंगे साथ में हम। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू बन जाएगी एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, ये एलसीएम हो जाएगा। कॉमन भी लिखे और जो अनकॉमन है उसको भी लिखे आप, तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे डी। एलसीएम का एक और सवाल दिया हुआ है आपके पास, ये 4x स्क्वायर है और ये 5x है। इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसके यहाँ रफ मैंने लिख दिया इसको, यहाँ पर इसके निकालने होंगे फैक्टर। तो ये 2 2 और x और x की पावर 3 मैंने लिख दिया, 5x, क्योंकि ये दो ही वैल्यू है। इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ x कॉमन है, तो एक्स आ गया इसमें से, बाकी जो बच गया 2 2 बच गया और x की पावर 3 बच गई, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और इसमें एक एक्स जो कॉमन था वो उधर आ गया, 5 बन गया उधर लिख दिया हमने। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टू द 4, 4 5 द 20 और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा 4 पावर जाएगी। तो ये 20 आ गया आपके पास, इसका जवाब जो है हो जाएगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। सी जो है यहाँ लिख देंगे हम, सी स्क्वायर रूट निकाल लें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट में बहुत आसान तरीका है इसका, कि इस वैल्यू को रूट में लिख दें और प्लस माइनस लगा दें, तो ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा एक्स माइनस ए माइनस बी। तो इसका जवाब हो गया पहला ही ए माइनस बी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लास्ट में। अब ये दसवां सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि ए के ऊपर 5 है बी और ए बी के ऊपर 5 पावर, और फिर उसके बाद ये आपके पास आ गया ए क्यू और बी प्लस ए बी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी कॉमन इधर से ले लिया, इधर से ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स की ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ए बी ऊपर नीचे से कट गया, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों सेम में कट जाएंगे, ये बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जवाब आप देखें कौन सा होगा आपके पास, ये बी पार्ट होगा, तो यहाँ बी आ जाएगा आपके पास। तो मेरे दोस्तों बताइएगा आप लोग कि ये एमसीक्यूज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसको जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मुगल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैप्टर 5 आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है, अल्लाह नेहमान।